खेल हो गया भाई। गेट नंबर थ्री अलाउड ओनली फॉर एंट्री, गेट नंबर फोर अलाउड ओनली फॉर एंट्री करना सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा। हेलो व्यूअर्स, कैसा आप सब? मैं आज आपके सामने बात वेलकम है मेरे चैनल से। तो करंट सिचुएशन दैट आई एम गोइंग टू देवर फिलहाल, और जो एमसीआर की जो कंडीशन है ना, आराम से वो चेंज हो गई, आराम से कैसा ही जाता है इसमें। राइट नाउ इन कश्मीरी के पटियाला, शिमला जा रहे हैं, कब तक पहुँचा दोगे? ये पहुँचेगी रात को 11:30 बजे। अच्छा, सुबह जल्दी किस टाइम है जी? मतलब सुबह इससे पहले कौन सी है? इससे पहले कोई नहीं है, ये चलती है सबसे पहले, ये चलती है। हाँ जी, देवबंद को जाओगे? देवबंद को जाओगे नहीं, और मुजफ्फरनगर को बाईपास। तो द करंट सिचुएशन इज ऐसे, अभी मैं हूँ बस में और अभी जा रहा हूँ तकरीबन, ठीक है। तो एनसीआर की जो है काफ़ी ज़्यादा हालत जो है फिर से वही दोहराई जा रही है चीज़ें, मतलब वही 50% कैपेसिटी और 1-to-1 हर जगह 50% हो गया, हर चीज़ बंद होने वाली है जैसा लग रहा है, क्योंकि येलो अलर्ट दिल्ली है, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो येलो अलर्ट है, ठीक है। और बाकी कश्मीरी गेट पे भी कुछ एग्ज़िट जो है वो बंद है, तो 7 नंबर का जो गेट है ना, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं सारी बंद है। बॉर्डर ही बॉर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे, हर जगह वही चीज़ लगी हुई है कि सारी चीज़ें एक तरीके से नहीं होती और टाइम जो है एक सा नहीं रहता। अब बैक टू प्लेटफॉर्म आई थी चीज़ें, अब नए वेरियंट ओमिक्रॉन, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई, कोई बात नहीं, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। हम नेगेटिविटी को ना ले करके उसको एज ए पॉजिटिव ले, वो ज़्यादा बेटर है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एज ए पॉजिटिव लेकर चीज़ों में। फाइनली बहुत ही अच्छी और तेज़ नींद आ गई थी ऐसा ना, मतलब वाली बसों में ना कम्फर्टेबल है बैठ के, तो उसे सफ़र करना बहुत अच्छी नींद आ गई थी। 13 जाने वाली बस वो वायर रोड की वगैरह जाती है ना, देहरादून जाने वाली बस जो है वो वायर रोड की बोलते हुए जाता है। अगर आप जा रहे हो सातपुरिया देवबंद भी जा रहे हो तो बाईपास को उतर जाओ और वहाँ से अपना पिकअप कर लो, अगर डायरेक्टली देवबंद मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। करंट सिचुएशन इज दैट के अभी मैं जाऊँगा घर पर, फिर थोड़ा सा वहाँ पे काम है, वहाँ पर मिलना है सबसे, उसके बाद फर्दर आपसे बात करते हैं। फिलहाल अभी मैं चाय पीता हूँ और आप टाइम लैप्स में चल दीजिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको द करंट सिचुएशन ऑफ दिल्ली एनसीआर, जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, 50% कैपेसिटी के साथ अपना मेट्रो चल रही है और येलो जोन में आ गया अपना डेली, तो कोई भी आ रहा है जा रहा है या फिर कश्मीर गेट से एग्ज़िट हो रहा है तो गेट नंबर 7 ऊपर चढ़ के जाते हैं, वहाँ से हो जाइए, जो एग्ज़िट्स हैं वो सारे मतलब मोस्टली बंद ही हैं और एक ही चल रहा है। मतलब जो पिछले साल जो रहा ना मामला, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स टास्क था घर पर बिताना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्लक्चुएट हो जाती हैं, काम जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो वो ऐसा ना हो तो बेटर है। तो टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी, चीज़ें
बड़ी ही कम्प्लेक्स है और 2021 में काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं कि क्या होता है फैमिली, सब कुछ होती है। बस चलते हैं फिर, है ना। ये दो बस खड़ी हैं, जो राइट हैंड साइड वाली है उसमें हम आए हैं और अभी चले जाएंगे, तो बाईपास को उतर के सीधा अपना जाएगा। रीच्ड एट रामपुर तिराहा, बस आ जाएगी। तो द करंट सिचुएशन इज दैट के अभी जो है चौक पर है और लग तो रहा है कि बस आ रही है, मिल जाएगी तो अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि सर्दी में ना टाइम से चलना बेहतर है, और एनसीआर से आ रहे हो ना भाई, सुबह ही सुबह चल दो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। देखता हूँ ये अगर आ रही होगी तो ये बस तो जा ही नहीं रही, वो दूसरी थी। सो द करंट सिचुएशन इज दैट कि अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और अभी देखो अभी मैं हूँ सुभाष चौक पे और चलता है, देखते हैं कैसे भी होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ वीडियो, और द करंट सिचुएशन इज़ दैट कि अभी मैं हूँ अपना देवबंद में, ठीक है। एक एक करके हम सारी बातें करते हैं, वो ये कि देखो दिल्ली की अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है। दिल्ली आ चुका है अपना येलो जोन में, जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे क्या है सारे मॉल्स, कॉलेज और अपने अदर इंस्टीट्यूट्स, उसमें सब 50% कैपेसिटी हो चुकी है, ठीक है। और एक और हम बात कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पे क्यों आना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड की जो है वो तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए मेरा आना हुआ है। क्योंकि दो तीन दिन से ऐसा ही हो रहा था उनका, क्योंकि कहीं दिखा रहे हैं तो कुछ आराम नहीं लग पा रहा, बट जो उन्हें एक डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट भी है, तो वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा आराम मिला है और रिकवरी भी धीरे धीरे हो रही है। और आप सभी दुआ कीजिए कि जो है रिकवरी एज सून एज़ पॉसिबल हो जाए, उसी की वजह से आना हो रहा है। और तीसरी बात ये कि कुछ मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है 2021 को लेकर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा पता रहे कि मेरा क्या कहना है इस बारे में। क्योंकि 2021 जो रहा है ना साल, वो आयरन मैन की ये मतलब जो चैनल रहा वो काफ़ी डेड रहा, वीडियोस पिक्चर्स आ नहीं रही थी आपके, और आपसे रहा भी कम हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी 2021 ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। एक तो यह कि हर चीज़ परमानेंटली नहीं रहती, चाहे वो कोई काम को लेकर हो, चाहे वो कोई रिश्ते को लेकर हो, चाहे वो किसी का आना जाना हो, तो हर कोई आदमी परमानेंटली नहीं रहता। तो फिर यह है कि हर चीज़ जहाँ पे भी हम काम करते हैं या फिर कोई और भी एक्स वाई जेड कोई भी काम करता है, तो वो जो है परमानेंटली नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं हो सकती यार। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है इंसान के सामने कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इस साल भी लॉकडाउन लगा था और बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, और अभी जहाँ पे मैं हूँ वो मतलब अलग लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छा है, बेहतर है, वहाँ पे सब समझने वाले हैं, समझने वाले लोग हैं, ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू ऊपर वाले के, और बहुत अच्छा है मतलब सब कुछ, ठीक है। और 2021 में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि हर चीज़ परमानेंटली नहीं रहती, चाहे वो रिश्ते हों, दोस्ती हों, कुछ भी हों, ठीक है। और अपना जो है
अपना कुछ भी हो वो सबसे अच्छा रहता है। और थोड़ा बहुत फ्रीडम भी ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि अब जहाँ पे मैं हूँ वो खुद समझदार हैं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो खुद समझदार हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे डील करना है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरा जो है पीठ पीछे भी काम चलते रहता है, अलग शुक्र है, बेहतर है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबका अलग अलग होता है, कंपनी का सबका अलग अलग होता है, और मैं तो शुक्रगुजार और अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले। और आप भी जहाँ पे भी हैं, आप एटमॉस्फेयर होता है अपने ऐसे कि अगर हम अपना खुद से करेंगे, खुद से हम अच्छे रहेंगे, खुद से बन के रहेंगे, तो अपने से होता है। और वन वे कुछ नहीं होता, बोथ वे होता है। अगर एक तरफ से कोऑपरेट हो रहा है और दूसरी तरफ से कोऑपरेट नहीं हो रहा तो उसमें भी सही नहीं होता हर चीज़। और निभाने वाली बात है तो दोनों तरफ से निभाया जाए तो निभ जाता है मामला, कुछ भी हो, चाहे वो जॉब रिलेशन हो, कोई और रिलेशन हो, वैसे भी हो, ठीक है, ठीक है। और एक और बात ये थी कि 2021 में तो ये एंड हो ही गया, और 2022 में फर्दर आपसे जो है बात होगी, किसी और ताल्लुकात की वजह से मैं कहीं जाने वाला हूँ, मेरे कुछ प्लान्स बन रहे हैं जाने के लिए। और वो डिपेंड करता है कि फ़ादर की तबीयत के ऊपर, अगर उनकी तबीयत सही रही तो मैं निकलूँगा, नहीं हुई तो मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि उनकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है और जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, चलाया है, चलने सिखाया, दुनिया दिखाई है और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, तो उनके लिए हम कुछ ना कर सकें और उनके वर्स्ट टाइम में हम काम ना आ सकें तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए मेरा आना ये भी ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था। हालाँकि हर पेरेंट्स चाहता है कि जब बच्चे बाहर रहते हैं तो उसे कुछ पता ना चले घर के बारे में, मतलब कोई भी, ताकि बाद में टेंशन लें, बट ये चीज़ तो इंसानी फितर रहता है। आप कहीं भी हैं या फिर आपके अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए और आपको ना पता चले, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब ये पूरी दुनिया का सच है, क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी है कि अंदर बेचैनी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी थी, और अपनी मैंने डीप बात आप सबको बताई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ, क्या आपसे रब्ता हो, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो ज़रूरी होता है शेयर करना, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर लेता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपसे भी कुछ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेरा कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन है वो इसीलिए तो बनेगा। और 2022 में मैं देखता हूँ जैसे भी प्लान होता है, आप सभी लोग दुआ कीजिए फादर के लिए खैरियत से ठीक हो जाएँ। एंड लास्ट में यही आपसे कहना चाहूँगा, पहले तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, और आप सभी प्रिकॉशंस ज़रूर लें, क्योंकि वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि भाई कल को लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया और फिर बैठ जाओ और खुद को दोष देते रहो। वैसे तो जो आ रहे हैं भीड़ में, और अपना मास्क वगैरह प्रिकॉशन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का कोई ध्यान नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम ऐसे प्रिकॉशंस लें, इस तरीके से अपने आप को सेफ रखें, ताकि आगे कल को पीक पॉइंट पर ना चले ये बात, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा क्राउडेड एरियाज में लोग बिना मास्क के जाते हैं तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो यही था आपसे कहना, और एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को जो लाइक का कला है वो कर दीजिए कन्वर्ट फ्रॉम ब्लैक टू ब्लू, और कमेंट करके बताइए अपने थॉट्स कि कैसे लगा आपको वीडियो। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि इस तरह के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एंड कोशिश करूँगा मैं कि आपसे जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके उतना ज़्यादा बेटर हो। 2022 में मैं आपसे, आपको कुछ आने वाले कुछ व्लॉग्स में पता लग जाएगा कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। जा रहा हूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं जा रहा हूँगा तो आपसे मैं रब्ता ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यही है कि आप सपोर्ट करें, और आप अपने कुछ आइडियाज़ मुझे बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पर भी लाने वाला हूँ वीडियो, तो वो भी जहन में आ रही है, कुछ एक्सपीरियंस है मेरे, कुछ एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स करें, क्या ना करें, ठीक है। तो ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, तो बस चलते हैं। एंड लास्ट हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। तो एट द एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।